नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के धौलपुर में अभी कुछ ही दिन पहले देश के लिए सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने वाली संस्था भारत प्रतिभूमि मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की कोलकाता टकसाल में बना पहला रंगीन सिक्का लॉन्च किया था। ये रंगीन कॉइन सिक्कों और करेंसी नोटों का संग्रह करने वाले बाड़ी धौलपुर के अजय गर्ग के पास पहुंचा है। अजय गर्ग के अनुसार इस रंगीन सिक्के का नाम पंचतंत्र सोबिनियर सिक्का है। 32 ग्राम वजन का ये सिक्का बिना मूल्य वर्ग का एक सोबिनियर टोकन है, जो निकल, जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनाकर तैयार किया गया है, जिसे टकसाल की भाषा में निकल सिल्वर कहते हैं, जो कभी प्रचलन में नहीं आएगा, सिर्फ एक संग्रहणीय वस्तु की तरह धरोहर के रूप में सजे कर रखा जाएगा। इस सिक्के को एक बहुत ही आकर्षक बॉक्स में पैक किया गया है। वाणी निवासी अजय गर्ग पिछले 24 साल से डाक टिकट व मुद्रा का संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने इस संग्रह की दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है और अपनी और धौलपुर जिले की पहचान विश्व पटल पर बनाई है। यह एक 22 ग्राम वजन का सोविनियर टोकन है, जिसे कलेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा निकाला गया है और यह अभी 2 महीने पहले ही कोलकाता टकसाल द्वारा इसको रिलीज किया गया। यह सिक्का है जो पंचतंत्र की कहानी, जिन्हें बचपन में पढ़ते थे, मूर्ख शेर और चतुर खरगोश की कहानियां, उसके ऊपर इस सोविनियर सिक्का निकाला गया है। यह कॉपर, निकल, जिंक से बनाया है, जिसे टकसाल की भाषा में निकल सिल्वर बोलते हैं। और यह सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा। यह सिक्का सिर्फ एक कलेक्शन की धरोहर है, जिसे के लिए निकाला गया है। इसके पीछे जो भारत सरकार टकसाल का जो लोगो है, उसे दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर सिक्का है, देश का पहला रंगीन सिक्का है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यह सिक्का मेरे हाथ में भी आया। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि कलेक्शन इसी तरह बढ़ता रहे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।